20 अक्टूबर की शाम को जम्मू कश्मीर के गंदरबाल जिले के सोननगर इलाके में आतंकवादियों ने गोलीबारी की। इसमें एक डॉक्टर समेत 6 मजदूरों की मौत हो गई। इसी के साथ ही 5 लोग घायल भी हुए हैं। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति के खराब होने की वजह से दिल्ली में वाहनों के खिलाफ शुरू हुआ अभियान, जिस वजह से बिना POC वाली गाड़ियों के धड़ाधड़ कट रहे हैं चालान। सलमान खान के एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने बड़ा ही हैरान करने वाला दावा किया है। सोमी ने कहा है कि वो खुद सलमान खान के साथ आउटडोर शूटिंग के समय शिकार करने जाती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि सलमान को नहीं पता था कि बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है, इसलिए सलमान उस चीज के लिए माफी क्यों मांगेंगे जिस चीज के बारे में उन्हें पता ही नहीं था। अंडमान सागर से उठा चक्रवर्ती तूफान दाना 23 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी पहुंच जाएगा। 24 अक्टूबर को ये उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा, ऐसा मौसम विभाग द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बाही गांव के निकट रविवार की देर रात को सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से बाइक टकराने के कारण 3 युवकों की मौत हो गई। तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।